बहुत ही कम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी एसआई पीसीएस आईपीएस लेवल के बड़े अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अपने क्षेत्र में अपनी खुशमिजाजी व अलग कार्यशैली स्वभाव के मामले में ख्याति बटोर पाते हों। ऐसा ही गाजियाबाद के लूनी क्षेत्र अधिकारी राजकुमार पांडे, जो कि पूर्व में भी अपनी गायन शैली के कारण काफी चर्चाओं में रहे हैं, पहले भी मीडिया के माध्यम से सीएए का विरोध कर रहे युवाओं को गाने के माध्यम से संदेश देने का वीडियो उनका वायरल हुआ था, जिसको जनता ने काफी सराहा था। ऐसा ही उनका एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने सेना के जवानों को 26 जनवरी के मौके पर देश के लिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देशवा पुकार भारत माँ के सिपहिया, दुश्मन मचावे लसोर हो, जाग जाग ललन होइग भोर हो, जाग जाग ललन होइग भोर। यह गाना जो आप लोग सुन रहे हैं, यह गाना वह 26 जनवरी के मौके पर अपने युवा सैनिकों के मन में जोश भरने के लिए गाएंगे। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी राजकुमार पांडे ने 26 जनवरी की सुरक्षात्मक कार्यवाही पर चर्चा की। लोनी सर्किल दिल्ली एनसीआर से सटा क्षेत्र है। हमारे एसएसपी सर, एसपीआरए सर के भी निर्देश हुए हैं, उन लोगों के कुशल निर्देशन में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बराबर सतर्कता बरतते हुए हैं। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र, ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र और लोनी थाना क्षेत्र की जो एरिया दिल्ली से सटी है बॉर्डर पर, वहाँ रेगुलर चेकिंग फेक्शन की जा रही है, बिल्कुल नज़र रखी जा रही है संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु पर। इसके साथ ही हम होटल, सराय, ढाबा, लाज की भी चेकिंग करवा रहे हैं, सत्यापन करवा रहे हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति ना आके यहाँ संदिग्ध हो रहने लगे। इन चीज़ों पर भी सक्रिय नज़र रखी जा रही है। कोई घुसपैठिया अगर यहाँ रह रहा हो छिपे तरीके से, तो उस पर भी सत्यापन के लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए एसएसपी सर का निर्देश है, उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो फोर्स है, उस फोर्स को भी रेगुलर ड्यूटी हम लोग ले रहे हैं और हम लोग खुद वाचपूल हैं, सारे महत्वपूर्ण जगहों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है।